13वां प्रकरण भगवत प्रचार का सूत्रपात। सन 1955 के चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि के पवित्र दिन थे। विंध्यवासिनी भगवती का विशाल मंदिर सैकड़ों भक्तों की अपार भीड़ से भरा हुआ था। आदि शक्ति की शाश्वत लीला भूमि विंध्यवासिनी धाम पूरे वर्ष भक्तों से भरा रहता है। चैत्र व शारदीय नवरात्रि के अवसर पर देश भर से भक्त यहां आकर भगवती की आराधना विशेष रूप से करते हैं। अतः नवरात्रि में मनोकामना पूर्ति और सिद्धि प्राप्ति हेतु असंख्य भक्त यहां विशेष पूजन अर्चन करने लग जाते हैं। इस समय अनेक साधक तथा विद्वान श्री दुर्गा सप्तशती के अखंड परायणों के साथ विशेष व्रत एवं अनुष्ठानों में यहां रत रहते हैं। यह भी मान्यता है कि शारदीय व वासंतिक नवरात्रि में मां भगवती की शक्ति 9 दिनों तक मंदिर की छत के ऊपर पताका में विराजमान रहती है। सोने के इस ध्वज की विशेषता यह है कि यह सूर्य चंद्र पताकिनी के रूप में जाना जाता है। यह निशान सिर्फ मां विंध्यवासिनी देवी की पताका में ही मिलता है। नवरात्रि प्रारंभ से 8 दिन पूर्व ही यहां भीड़ जुटने लग जाती है। श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ तथा सत्संग प्रवचनों से पूरा देवालय प्रांगण प्रतिध्वनित होने लगता है। विशाल मंदिर में केवल मात्र एक ही पत्थर का पक्का घाट था उन दिनों। अतः इस पक्का घाट नाम से प्रसिद्ध घाट पर सायंकाल को सभी विद्वान इकट्ठा होते, सत्संग चर्चा करते तथा मानस पर विद्वानों के प्रवचन होते। नवमी पर पूर्णाहुति के बाद बाहर से आए सभी भक्त वापस चले जाते। यही वह समय था जब युवा साधक के रूप में श्री दीन बंधु जी ने 40 दिन तक केवल मात्र गंगा जल पान के साथ यहां कठोर तप किया था। यहीं पर उन्हें परम सिद्ध योगी राज ने श्री दुर्गा सप्तशती की पुस्तिका प्रसादी रूप में दे अभय वर दिया था। यहीं पर उनका आशीर्वाद साकार हुआ था। मां भगवती के दर्शन के साथ साथ आपको अभीष्ट फल भी प्राप्त हुआ था। विलक्षण स्मृति युक्त मेधा से संपन्न हो आप अब करुणामयी मां के दर्शन स्मरण एवं भक्ति में ही मग्न रहने लगे। परंतु आप सिद्धि प्राप्ति से उन्मत्त नहीं हुए अपितु उन्मनी अवस्था में अंतर्मुखी ही रहने लगे। चुपचाप पक्के घाट पर जाकर आप पीछे बैठ जाते और मानस पाठ तथा विद्वानों के प्रवचन सुनते। आपके गांव से आया पंडा आपके भक्ति युक्त वैराग्य तप्त तीक्षा से बहुत प्रभावित था। वह आपकी प्रीति युक्त संभाल करता और पक्के घाट पर जाकर विद्वानों के बीच आपकी प्रशंसा भी करता। देखो यह लड़का हमारे गांव का है, बहुत तपस्वी और महान योगी है। नवरात्रि की चतुर्थी के दिन एक सेठ ने मंदिर में सत्संग का आयोजन करवाया। आपको भी कथा कहने को कहा गया, परंतु ध्यान की मस्ती में आप आंखें ही ना खोल पाए, बैठे रहे। दूसरे दिन पंचमी थी। जब आप सायंकाल को गंगा जल पीकर घाट से वापस आने लगे तो विद्वानों ने आपको घेर लिया। आप प्रतिदिन रामायण पाठ करते हो, अपनी अनुभूति हमें बताओ। आप वहीं बैठ गए। अच्छा, मां की यही इच्छा है। अब बोलने लगे तो 2 घंटे तक बोलते गए। विद्वान मंत्रमुग्ध हो सुनते रहे। सभी हतप्रभ थे। इन 21 वर्षीय अपढ़ ग्रामीण साधक की ओजस्वी वाणी में सरस्वती का साक्षात वास अनुभव हो रहा था। अब तो सभी पीछे लग गए, प्रवचन का अनुरोध करने लगे। आप कतराते हुए कहते, हमें परेशान ना करें, परंतु वे मानने वाले ना थे। दूसरे दिन भी वहीं पर प्रवचन दिया। तीसरे दिन सप्तमी को ब्राह्मण सभा का सम्मेलन था। सैकड़ों विद्वान पंडित बैठे थे। वे लोग फिर आकर आपको ले गए और ले जाकर बिठा दिया अध्यक्ष पद के आसन पर। प्रवचन दिया तो स्वयं को प्रकांड विद्वान मानने वाले वे पंडित इन सुखदेव सरीखे साधु के समक्ष नतमस्तक हो गए। कई श्रोता आपके भक्त बन गए।
वे आपको अनेक स्थानों पर ले जाते, प्रवचन सुनते, ना अघाते और आपको आगे से आगे ले जाने लगे। अतः सन 1955 के चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को विंध्यवासिनी के पक्के घाट पर दिए गए प्रवचन की ज्ञान लहरी अब आगे धारा प्रवाह प्रवाहित होने लगी। भगवत प्रसाद के वितरण का और प्रचार प्रसार का सूत्रपात हो चुका था, साथ साथ साधन स्वाध्याय भी अनवरत चल रहा था। जो सुनता वही मुक्त कंठ से बखान करता, कानों कान समाचार फैलता गया। भक्त बुलाकर ले जाते, सत्संग चलता रहा। कुछ दिन यहां रहे, फिर चल पड़े अनेक स्थानों पर रामायण पारायण करते कराते। विशेष रूप से ताली की ताल पर आप रामायण गाते तो जिस किसी के कान में धुन पड़ती वह मंत्र मुग्ध हो आपके पास खींचा चला आता। जब प्रवचन सुन लेता तो जीवन न्योछावर करने को आतुर हो जाता। यह लहर बढ़ती गई। भगवत प्रचार प्रारंभ करना है, अतः अयोध्या जाकर बूढ़े रामायणी जी से आज्ञा लेकर चलने लगे तो उन्होंने आज्ञा दी और कहा, कभी वाद विवाद में नहीं पढ़ना, शास्त्रार्थ में ना पढ़ना। यह भी निर्देश दिया कि कभी किसी मठाधीश के पास नहीं जाना, वहां नहीं रहना। जहां मठाधीश होंगे वहां सोने की चौकी होगी बैठने के लिए, पूरा राजसी ठाठ बाट एवं आडंबर होगा। वहां साधना नहीं होगी, सादगी सरलता व सौम्यता नहीं होगी। वहां के आडंबर में साधक ऐसा घिर जाता है कि वह महात्मा ही नहीं रह पाता, बेचारा पता नहीं क्या क्या हो जाता है। उन्होंने यह भी समझाया कि तुम कभी किसी का खंडन नहीं करना, यदि तुम खंडन मंडन में लग गए तो तुम्हारी योग्यता शक्ति और समय का ह्रास होगा, इससे कोई लाभ नहीं होने का। जिसने जो सिद्धांत अपना रखा है वह उसे पकड़े रखेगा, तुम यदि उसका खंडन करोगे तो वह उसकी रक्षा के लिए तुम्हारे से लड़ेगा। फिर बोले, अकबर ने बीरबल से एक लकीर खींचकर उसे बिना मिटाए छोटी करने को कहा। बीरबल ने उस लकीर के साथ ही उससे बड़ी लकीर खींचकर कहा कि पहले वाली अपने आप ही छोटी हो गई है, अतः बड़ी लकीर खींचोगे तो लोग स्वभावतः बड़ी को स्वीकार करेंगे, छोटी स्वयं छूट जाएगी। जो कुछ भगवत विरोधी है उससे उदासीन हो जाओ। संत शिरोमणि की आज्ञा सिरोधार्य कर आप जीवन पर्यंत संप्रदाय शास्त्रार्थ आडंबर से परे रहे और महंत जगतगुरु धर्माचार्य आदि पदवियों से भी कोसों दूर रहे। आपने सरल विरक्त अमानी तथा अवधूत वृत्ति से परम हंस का जीवन बिताया।